धनबाद एसीबी की टीम ने 12 घंटे के अंदर एक और पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। ताजा मामला धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पदस्थापित दरोगा दशरथ साहू को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। सोमवार की शाम एसीबी की ओर से की गई कार्रवाई में पुलिस महकमे में दहशत है। बताया जा रहा है कि दशरथ साहू कोयला चोरी के एक मामले में आरोपी पिंटू यादव से केस मैनेज करने के एवज में रकम की मांग की थी उन्होंने, और इसी मामले में उन्हें एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा। वो दशरथ प्रसाद साहू जी, वो हमारे घर पर आए और हमको एक दिन उठा करके वो थाना ले गए, और ले जाने के बाद उन्होंने 2 घंटा तक हमको बैठाया और कुछ वैसा पूछताछ नहीं किया, बस पूछा कि तुम वहां पर था घटना में तो हम बोले नहीं हम नहीं थे, हम आपका ड्यूटी में थे उस दिन यही सब बातचीत हुआ। उसके बाद फिर हमको बोले कि ठीक है 2 घंटा के बाद हमको घर भेज दिए, और वहाँ पे उससे पहले हमको फिर घर में पता चला कि वो मेरी माँ एक बार थाना गई हुई थी तो उससे पैसा उसा का डिमांड उमांड हुआ था, और वही डिमांड फिर वो हमको इसीलिए उठाए थे ताकि वो पैसा का डिमांड उनका पूरा हो सके। तो यही सब घटना वहाँ पर घटित हुई थी, तो जिसको लेकर के उन्होंने डिमांड किया था 50,000 का, लेकिन फिर माँ को बोला कि 30,000 तक दीजिए तो हम आपका डायरी वगैरह में लिख करके दे देंगे तो आपका लड़का को कोई दिक्कत नहीं होगा। बांसजोड़ा निवासी लोयाबाद थाना के बांसजोड़ा निवासी पिंटू यादव के द्वारा शिकायत किया गया था कि लोयाबाद थाना में कांड संख्या 54-22 में किसी पिंटू नाम के व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, परंतु कांड के अनुसंधानकर्ता दशरथ प्रसाद साहू के द्वारा इन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था कि तुम्ही को पिंटू बनाकर इस केस में जेल भेजेंगे, तुम 20,000 रुपये दो, 20,000 रिश्वत की मांग थी, तो इसका विधिवत सत्यापन कराया गया, और सत्यापन के बाद आज दिनांक 21/11/22 को लोयाबाद थाना से ही रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपये दशरथ प्रसाद साहू को हुआ ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।